दोस्तों राजस्थान के खिलाफ रोहित ने बदला पूरा मिड लर्डर, खतरनाक खिलाड़ियों की हुई है एंट्री। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हुई है, यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2020 जो है वो यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने जीता था, लेकिन 21 और 22 उसके लिए अच्छा नहीं रहा था। पर दोस्तों अब यहाँ पर 22 में उसको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि 22 की शुरुआत बेकार हुई है। दोस्तों ऐसे में 2 अप्रैल 2022 को आईपीएल का नवा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ऐसे में पहले मुकाबले में जो हार का बड़ा कारण था वो मुंबई का मिडल ऑर्डर, क्योंकि दोस्तों मुंबई ने इस मिडल ऑर्डर की बदौलत जो किया था, सपना देखा था, वो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा था। क्योंकि अनमोल प्रीत सिंह 8 रन बनाकर, तिलक वर्मा 22 रन बनाकर, कारण पोलार्ड 3 रन बनाकर और टीम डेविड 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। ऐसे में इनके आउट होने के बाद अब यहां पर रोहित शर्मा ने पूरे मिडल ऑर्डर को बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, उसमें पहला बड़ा बदलाव हो रहा है अनमोल प्रीत सिंह का। जी हां दोस्तों, अनमोल प्रीत सिंह पूरी तरीके से आईपीएल से बाहर होने हुए हैं। अब यहां पर उनका मौका मिलने वाला नहीं है मुंबई की टीम में, उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो रही है। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव एक शानदार खिलाड़ी हैं और वो शुरुआत में इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो थोड़ा सा रिहैब कर रहे थे, इस वजह से वो टीम से बाहर थे। पर अब उनका रिहैबेशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब उनकी एंट्री कंफर्म मानी जा रही है। दोस्तों दूसरा जो बड़ा बदलाव होने वाला है वो यहां पर होने वाला है डैनियल सैम्स का बाहर करना। दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह ने 9 पर 8 बनाकर आउट हुए थे, वहीं डैनियल सैम्स ने 2 बॉल पर 7 रन तो बनाए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने बहुत ही घटिया गेंदबाजी की थी। 4 ओवर में उन्होंने 57 रन खर्च किए थे। ऐसे में इनकी जगह पर बेबी एवी यानी डेवाल्ड ब्रेविस को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर मिडल ऑर्डर में चेंज हो सकते हैं। आपके हिसाब से ये मिडल ऑर्डर में चेंज होने से मुंबई अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।